इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार साहेबगंज के डीएमओ को समन भेज कर ये तलब किया जा रहा था कि वो ईडी कार्यालय आए। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक जो साहेबगंज के डीएमओ हैं वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे, लेकिन सुबह साहेबगंज के जो डीएमओ हैं विभूति कुमार, वो ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से लगातार उन्हें समन भेजा जा रहा था, लेकिन लगातार उनके ओर से ये कहा जा रहा था कि उनकी बेटी की शादी है, इस वजह से वो ईडी कार्यालय अभी नहीं आ सकते हैं। लेकिन सुबह जिस तरीके से लगभग 10:30 बजे जो साहेबगंज के जो डीएमओ है विभूति कुमार ईडी कार्यालय पहुंच गए और अब कह सकते हैं कि जो पूछताछ का सिलसिला है वो चल रहा है। एक बार आप दृश्य देख सकते हैं कि जो हलचल हो गई है डीएमओ के पहुंचने के बाद वो तेज हो गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जब से पूजा सिंघल यहाँ पे थी या फिर ईडी की ओर से जब से कार्रवाई चल रही थी, खनन पदाधिकारी सिर्फ 2 जिले या फिर कह सकते 3 जिले के यहाँ पर पहुंचे थे, पलामू, दुमका और पाकुड़ के जो डीएमओ है वो सिर्फ ईडी कार्यालय पहुंच रहे थे। और लगातार जिस तरीके से जो पूजा सिंघल के नजदीकी है उनके पति अभिषेक झा और जिस तरीके से उनकी बिटिया है वो यहाँ पर पहुंच रही थी, लेकिन जो इंतजार था सिर्फ साहेबगंज डीएमओ का जो सुबह अब पहुंच चुके हैं और लगातार जिस तरीके से एक संशय बना हुआ था लोगों के मन में और ये बातें भी निकल के आ रही थी कि साहेबगंज के डीएमओ ईडी कार्यालय नहीं आएंगे, लेकिन सुबह वो जिस तरीके से ईडी कार्यालय पहुंचे हैं, एक अपने मन में एक सवाल होता है कि जिस तरीके से पूछताछ का सिलसिला था अब ये पूछताछ का सिलसिला कहां तक पहुंचेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि मनरेगा घोटाला से शुरू हुआ जांच का दायरा अब सीधा खनन तक पहुंच गया है और लगातार अब खनन पदाधिकारी है वो ईडी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि समन भेज कर जिस तरीके से 3 से 4 जिलों के खनन पदाधिकारियों को ये सूचना दी गई थी, ये तलब किया गया था कि वो ईडी कार्यालय आए, और अब जिस तरीके से पूछताछ का जो सिलसिला है वो एक बार फिर से तेज हो जाएगा। कह सकते हैं कि अब जो ईडी के अधिकारी है वो अब तीखे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बातें बहुत सामने आ रही थी और पूजा सिंघल को एक बार फिर से ईडी हिरासत में भेज दिया गया है, उनसे भी पूछताछ चल ही रहा होगा, लेकिन जो खनन से संबंधित जो जानकारियां ईडी अधिकारी निकालने वाले थे या फिर निकालने की कोशिश कर रहे थे वो सिर्फ खनन पदाधिकारियों की ओर से निकल सकता है। तो लगातार जिस तरीके से दुमका और पाकुड़ के जो डीएमओ हैं उनसे लगातार ये पूछताछ की जा रही थी कि खनन संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, जितने भी घोटाले हुए हैं, जितनी भी अनियमितता हुई है उसको लेकर जिस तरीके से पूछताछ जो चल रहा था, और खबरें ये भी आ रही थी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, खबरें ये भी आ रही थी कि जो पाकुड़ और दुमका के जो खनन पदाधिकारी है वो लोग कई जो जानकारी है खनन से संबंधित वो भी दिए हैं और क्या कुछ उनके जिला में हो रहा है खनन से संबंधित वो भी जानकारियां यहाँ पे दी जा रही थी। तो मनी लॉन्ड्रिंग कह सकते हैं, मनरेगा फिर मनी लॉन्ड्रिंग, अब जिस तरीके से खनन तक पहुंच गया है तो कह सकते हैं आने वाले वक्त में और भी बड़ा खुलासा देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण और एक अहम बात ये है कि अब जिस तरीके से अब तेज हो गया है जो पूछताछ का सिलसिला है, अब कई दिग्गजों का भी नाम इसमें शामिल होगा, क्योंकि आज 3रा दिन है रिमांड में जिस तरीके से भेजा गया है, ईडी हिरासत में भेजा गया है पूजा सिंघल को, आज 3रा दिन है और 3रे दिन तक कह सकते हैं कई जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो भी ईडी के हाथ लगे हैं, कई डिजिटली डॉक्यूमेंट्स जो है वो ईडी के हाथ लगे, कह सकते हैं लैपटॉप भी ईडी को मिला है, मोबाइल भी मिला है, तो उसमें कई जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज है वो ईडी के हाथ लगे और उसी के आधार पर जो पूछताछ का दौर है वो चल रहा है और डीएमओ तक ये बात पहुंच गई है। तो कह सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज बरामद हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों का जिक्र ज़रूर होगा, इसलिए तमाम जो खनन पदाधिकारी हैं उन लोगों को भी तलब किया जा रहा है। एक बार हम आपको फिर से दृश्य इसलिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि अभी कुछ देर पहले ही मेडिकल टीम यहाँ पर पहुँची थी, क्योंकि जिस तरीके से जब से पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई है तब से उनकी जो तबीयत है वो नासाज चल रही थी और लगातार जो डॉक्टरों की निगरानी में पूजा सिंघल थी, लेकिन जिस तरीके से आज जो डॉक्टर आए थे आरके जायसवाल, वो सदर अस्पताल के डॉक्टर है, इससे पहले भी उन्होंने कई बार पूजा सिंघल का जांच किया है और लगातार उनका ये भी कहना, आज जिस तरीके से आरके जायसवाल जब ईडी दफ्तर के बाहर निकले थे तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अब पूजा सिंघल की जो तबीयत है वो बिल्कुल ठीक है, पूजा सिंघल को कोई तनाव है।
हालांकि उनका ये भी कहना था तनाव है, लेकिन उनकी जो बीपी फ्लक्चुएट कर रही थी वो बिल्कुल सामान्य है। साथ साथ थायराइड का भी जो जिस तरीके से उनका बातें सामने आ रही थी वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हें योगा करने की सलाह डॉक्टरों ने दी है, क्योंकि लगातार जब एक दिन वो ठीक रहती है पूजा सिंघल, लेकिन दूसरे ही दिन उनका बीपी हाई और लो होने लगता है। कह सकते हैं कि एक दिन वो तनाव में रहती है, कह सकते हैं रोजाना वो तनाव में रहती होंगी, लेकिन जिस तरीके से आज डॉक्टर ने कहा है कि आज वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, उन्हें योगा करने का आदेश, उन्हें योगा करने का सलाह दिया गया है डॉक्टर की ओर से। लेकिन इस बीच जिस तरीके से कह सकते हैं कि लंबे समय से लोगों की नज़र, या फिर कह सकते हैं जितनी भी मीडिया कर्मी हैं उनकी नज़र सिर्फ एक व्यक्ति पर थी, तो वो थी साहेबगंज के DMO विभूति कुमार, क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही थी कि विभूति कुमार ED कार्यालय नहीं पहुंचेंगे, और लगभग दो बार ED की ओर से उन्हें समन भेजकर ये तलब किया गया था कि वो ED कार्यालय आए। लेकिन हम आपको पहले ही बता दिए कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी का हवाला देकर ED कार्यालय नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज जिस तरीके से वो ED कार्यालय पहुंचे। लेकिन एक इस बीच एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब भी कोई DMO यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो कभी वो ऑटो में आ रहे हैं, तो कभी वो स्कूटर में आ रहे हैं, तो कभी वो ऑटो रिक्शा में आ रहे हैं, और आज जिस तरीके से DMO साहेबगंज के स्कूटर में आए थे, हेलमेट पहने थे, हेलमेट जब उन्होंने खोला तब पता चला ये DMO के, ये माफ़ कीजिएगा, ये साहेबगंज के DMO हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि प्रवेश भी इन लोगों का हो रहा है तो बड़ा अनोखा तरीके से हो रहा है, कभी ऑटो रिक्शा तो कभी स्कूटर। तो जिस तरीके से जब भी कोई खनन पदाधिकारी कहीं जाते हैं तो अपनी निजी गाड़ी या फिर कह सकते हैं जो उन्हें गाड़ी मिली है उससे आते हैं, लेकिन ED कार्यालय में जिस तरीके से नज़ारा देखने को मिल रहा है ये बिल्कुल अद्भुत है। कह सकते हैं कि जो निजी गाड़ी उन लोगों की होगी उससे छोड़ कभी कोई गाड़ी को बुक करके आ रहे हैं, तो कोई स्कूटर का सहारा लेकर आ रहे हैं, तो कोई रैपिडो का सहारा लेकर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से आज साहेबगंज के जो DMO है वो स्कूटर पर आए थे, कह सकते हैं कि रैपिडो भी हो सकता है, कह सकते हैं कि उनकी कोई जान पहचान की गाड़ी हो सकती है, तो आज स्कूटर पे वो आए हैं। अब जिस तरीके से पूछताछ का जो सिलसिला है वो चल रहा है, क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि साहिबगंज के DMO को लगातार समन भेजा जा रहा था, अब DMO से क्या कुछ पूछा जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो भी बातें निकल कर सामने आएगी वो बहुत अलग होगी। लंबे समय से जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर इस मामला कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, तो ज़रूर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो DMO आए हैं साहेबगंज के वो ज़रूर कुछ ना कुछ खुलासा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से और भी जो DMO हैं पाकुड़ और पलामू के वो लोग भी कई जो खुलासा है वो यहाँ पर किए हैं। तो हम आपको लगातार दिखाएंगे अपडेट जो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इंतज़ार है तो सिर्फ जो साहेबगंज के DMO जो अंदर गए हैं उनके बाहर आने का। फिलहाल के लिए इतना ही, कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, 22 को रांची।